हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज हम करेंगे क्वेश्चंस परसेंटेज के ऊपर। और जिस भी बच्चे ने जो बच्चा डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहा है, मैं पहले ही बता दूं, इससे पहली वाली वीडियो देख के आओ, ठीक है, वरना खतरे से खाली नहीं है ये वीडियो। समझ में कुछ नहीं आने वाला, उस वीडियो को मैं आई बटन में भी छोड़ दूंगा और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, पहले उसको देखें फिर इस पे आना, ठीक है। तो चलो डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। वो वीडियो देखनी ज़रूरी क्यों है, क्योंकि आप वहाँ से बेसिक अपना बेसिक फाउंडेशन तैयार कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो बेनिफिट होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक्स की आई वाई से 20% अधिक है। तो देखो, इतनी सी बात पढ़ने के बाद आप क्या कर सकते हैं, एक्स की आई और वाई की आई, जिन जिन बंदों के नाम है उनको लिख लो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखो 20% अधिक है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि 20% जब आपको दिखे तो आपको क्या करना है, 1/5 करना है। अभी 1/5 कैसे करना है ये आप देख लेंगे पढ़ने वाली वीडियो में, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो, इसमें आपको एक वर्ड दिखेगा अधिक। अगर अधिक की बात हो रही है ना, मतलब ऐड हो रखा है, तो 5 में 1 को ऐड करो कितना बन जाएगा, 6। ये सारी चीज़ मैं समझा चुका हूँ पहले से, मैं दोबारा रिपीट नहीं करने वाला, ठीक है। अच्छा, अब देखो ध्यान से, अब ये देख लो, अब हम क्या यूज़ करेंगे, एक तो 5 यूज़ करेंगे कि 6 यूज़ करेंगे, लेकिन ये देखो 5 किसके लिए और 6 किसके लिए, ठीक है। तो अब इसमें देखो अधिक किसके, एक्स की आई वाई से 20% अधिक है। एक्स के अधिक है ना, तो एक्स की 6 ले लो और वाई की 5 ले लो, ये काम करना था। तो ये काम आपको सेकंडों में करना है, सेकंडों में, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ। अच्छा, तो इसने पूछा है, तो y की आय x से कितने प्रतिशत कम है, y की आय x से, याद रखना किससे, x से। ये जो से वर्ड है ना, ये है आपके लिए इम्पोर्टेंट, कैसे, x से। जिस से होगा ना, वो हमेशा बटे में आएगा, याद रखना, जिस से वो हमेशा नीचे आएगा, बटे में आएगा। और हमने क्या बताना है, कितनी कम है, देखो वर्ड में पकड़ो, y की आय x से कितने प्रतिशत कम है, कम है तो कम देखो कितनी है, 1 है ना कम भाई, 6 से 5 पे जाओगे तो 1 ही तो कम है ना, तो ऊपर 1 आएगा। अब 1/6 को जिन बच्चों को पता है, जो मैंने बता रखा है, 16 से 2/3% आप डायरेक्ट लिख सकते हो इसका आंसर, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर मान लो टाइम पे ना ध्यान रहे, आपको ना समझ में आए वो चीज़, तो 1/6 × 100 करोगे तो 16 से 2/3% आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और सोल्व करो, अगर नोट करना है क्वेश्चन तो नोट कर लेना, ठीक है, सोल्व करो। चलो क्वेश्चन है, यदि x का 125%, सबसे पहले लिखो 125%, x का, मैं आपको इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब समझा दूंगा, ठीक है। x का 125%, इसका मतलब क्या है, 125% का मतलब क्या है, 125/100, इसको 5 पे काटोगे, इसको 4 पे काटोगे, ठीक है, 5/4, इतनी बात क्लियर होगी, 5/4, अगर इतनी बात क्लियर तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। देखो 5/4, अच्छा तो हमसे पूछा x की वैल्यू क्या होगी। अब देखो ध्यान से, ये कहा है इसने कि जो x का 125% है वो 100 है, ठीक है। अब देखो, जब आप इस तरीके की स्टेटमेंट देखो ना, आपको आपने जितना भी परसेंटेज दिया था उसका आपने फ्रैक्शन बना लिया, ठीक है। तो याद रखना, ये परसेंटेज जिसकी भी हो ना, जैसे x का 125%, तो जिसका है ना वो हमेशा नीचे वाली टर्म होती है, इस बात को याद रखना, ठीक है, जिसका हमेशा नीचे वाली टर्म, मतलब 4 को मैं क्या मान लूंगा, x मान लूंगा, पंगा खत्म। अब देखो x मतलब कि 4 का 125% कितना होगा, सारे बच्चे बताओ, हमेशा ऊपर वाला होता है, ये बात मैंने बता रखी है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को पता है कि 125% 5 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, x का 125% 100 दे रखा है, मतलब इस 5 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 100 के बराबर, क्लियर। तो क्या करेंगे, इनटू में, भाई हमें पता है ये 20 गुना बराबर, इसके 20 गुना है, 5 का 20 गुना, ठीक है। हमने क्या बताया, x की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 का भी कितना हो जाएगा, 20 गुना। ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, अगर आपको ये चीज़ सीखनी है तो मेरी रेशो वाली वीडियोस देखें, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। चलिए, इसका आंसर आ गया 80, ठीक है, इसका ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसका आंसर क्या है, 80 है। अगला क्वेश्चन पढ़ो, नोट कर लेना, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्व करो, क्वेश्चन सारे अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। तो आपको करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आप ध्यान से करोगे तो हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। अब देखो, हमने जब 15% देखा तो यहाँ पे लिखा है योग का, योग का, ये चीज़ हमने पकड़नी है कि योग का 15%, 15% का मतलब 15/100, यहाँ पे आ जाएगा 3, 5 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20, मतलब कि 3/20 हो गया, क्लियर, ठीक है, 3/20। अब क्या करना है, 3/20 आ गया, 3/20 आ गया। अब देखो क्या करना है,
योग दे रखा है, योग का 15% मतलब योग नीचे वाली संख्या, वही चीज जो मैंने पिछले क्वेश्चन में कराई। तो ये जो 20 है ये योग हो गया। तो योग किन का है? ये दो संख्याओं का है। अगर मैं दो संख्या ए और बी मान लूँ तो ए प्लस बी बराबर 20 के हो गया कि नहीं हो गया बताओ, सारे बच्चे बताओ, हो गया ना? अच्छा हो गया, ठीक है सर। अच्छा अब 20 का मतलब योग जो है उसका 15% जो है वो इनका अंतर है। अब 20 का 15% तो 3 है ना, और यही उन संख्याओं का क्या है? अंतर है। इसमें दे रखा है, ध्यान से पढ़ो, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। तो योग का 15% मतलब 3, वो इनका अंतर है, मतलब a माइनस बी बराबर 3। इतनी सी बात जिन जिन बच्चों को समझ में आई, वेरी गुड। ठीक है, नहीं आई तो थोड़ा सा रिवाइंड करो, दोबारा देखो, नहीं आ रही है फिर रिवाइंड करो, फिर दोबारा देखो, ठीक है, जब तक ना आए देखते रहो। अच्छा, जब ऐसी सिचुएशन आपको दिखे, इसमें नहीं पूरे मैथमेटिक्स में कहीं पर भी a प्लस बी की वैल्यू दे रखी हो और a माइनस बी की वैल्यू दे रखी हो, तो कैसे निकालोगे? याद रखना, अगर आपको निकालनी है a प्लस a की वैल्यू, इस सिचुएशन से सिचुएशन देख लो सेम, a की वैल्यू अगर निकालनी है, a की वैल्यू, तो इनको जोड़ो, कितना आया 23, और भाग में 2 कर दो, ये आ गई a की वैल्यू। ठीक है, a की वैल्यू आ गई। अगर निकालनी है b की वैल्यू तो इनको घटाओ, कितना आया 17, डिवाइड बाई 2 कर दो, बताओ क्लियर हो गई ये बात? इतनी सी बात समझ में आई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अगर a की और b की डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है तो अगर a की जो पहले जो चीज़ है उसकी, मतलब चाहे a भी हो सकता है x भी कुछ भी हो सकता है, उसकी वैल्यू निकालनी है तो जोड़ के डिवाइड बाई 2, और जो बाद में चीज़ है उसको उसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो घटा के डिवाइड बाई 2, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या पूछा है? बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात बताना है। अब सारे बच्चे बताओ, बड़ी संख्या a मानूं या b मानूं? बताओ a मानूं या b मानूं? देखो ध्यान से, a और b मानने का पंगा क्या है? अगर मैं ध्यान से देखूं तो a में से b घट के प्लस का 3 आ रहा है, ध्यान देना सारे बच्चे इस बात पर, a में से b घट के प्लस का 3 आ रहा है। तो a की और b की वैल्यू हम ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, क्वेश्चन में पूछा है, देखो ध्यान से क्या पूछा है, बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात। अब बड़ी संख्या बताओ a हो गई, छोटी संख्या क्या होगी? b होगी। तो मतलब कि a अनुपात b पूछा है, मतलब कि 23/2 और 17/2, दो से दो काट दो, ऑप्शन देखो 23 और 17 है क्या? 23/17, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, इतना सा क्वेश्चन था, ठीक है। बताओ क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था ना, नोट कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ो और सोल्व करो, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सोल्व करो। एक व्यक्ति अपनी आय का 66% से 2/3% खर्च करता है। अब देखो, आय का 66% से 2/3%, अब मुद्दे की बात, ये बात तो आप समझ गए होगी। देखो ये आय लिखा है मैंने, मेरी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी है ना, इसलिए समझ नहीं आ रहा होगा। आय का 66% से 2/3%, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आय जो भी हम लेट करेंगे, जो भी इसके फ्रैक्शन में नीचे जो आएगा ना वो आय होगी, इतनी सी बात मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, 66 से 2/3 हमने सीखा नहीं अब तक, लेकिन मेरे को एक बात बताओ भाई, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 66 से 2/3%, अगर इसमें से मैं 2 कॉमन निकाल लूँ तो 66 में से भी निकलेगा और 2 में से भी निकलेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, अगर मैं लिखता हूँ 2 से 1/2 तो इसका मतलब यही होता है 2 + 1/2, इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब तो 66 + 2/3 है, तो अगर 2 कॉमन निकालूंगा इसमें से तो क्या बचेगा, 33 से ही 1/3%, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। और अगर ये बचेगा तो 2 कॉमन है ही, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था इसका मतलब होता है 1/3, तो ये क्या हो जाएगा अल्टीमेटली 2/3, बताओ इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2/3, मतलब 66 से 2/3 को मैं 2/3 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 2/3, तो मेरे को पता चल गया कि उसकी कुल आय कितनी है, 3 है। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि वह अपनी आय का 66 से 2/3% खर्च करके, मतलब कि 3 में से उसने कितना खर्च कर दिया, 2 खर्च कर दिया, तो बचा कितना लिया उसने, 1 की बचत कर ली, क्या कह रहा है, करके 1200 मासिक बचत करता है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी, 1200, तो उसका मासिक खर्च क्या करे, तो मासिक खर्च कितना उसका 2 है, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2400, बताओ क्या था इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, है ना, बिल्कुल जी, कर सभी सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने कराया ना ये इंपॉर्टेंट है। आप ये मत सोचो कि क्वेश्चन आसान है सब कर लेंगे, मेन है कंसेप्ट और जो करने का तरीका कि आप इन क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे, ठीक है। चलो मिटा रहा हूँ मैं इसको, अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई। सी की आय 20 से 20% अधिक है, सी की आय 20 से 20% अधिक है। देखो अब मैंने लिखा सी और बी, जिनके नाम लिखे थे मैंने, इनके नाम
बोर्ड पे लिख दिए, ठीक है। आज में देखो कैसे सोल्व करेंगे आगे। 20% अधिक है, मैंने अभी आपको समझाया 20% अधिक का मतलब 1/5, और अधिक का मतलब 5 से 6 होना। अधिक का मतलब यही है 5 से 6 होना, और ज़्यादा किसकी है, सी की ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है इसकी 5 होगी, इसकी 6 होगी। और देख लो आगे क्या बोला इसने, बी की आय ए से 25% अधिक है। अब देखो एक रिलेशन तो इनके बीच में दे रखा है, एक रिलेशन दे रखा है बी और ए के बीच में, ये रिलेशन क्या है देखो ध्यान से, बी की आय ए से 25% अधिक है, 25%, 25% को कैसे लिखते हो आप, 25% को कैसे लिखोगे, 1/4 लिखोगे, ठीक है। और अगर अधिक है तो 4 से 5 हो जाएगा, ठीक है। और देखो ज़्यादा किसकी है, बी की ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 5, यहाँ पे क्या लिखोगे 4। अब इनको ध्यान से देखो, अब इनको अगर ध्यान से देखो तो ए तो 4 है, बी कितना 5 है, और इस केस में भी बी 5 है, मतलब अगर आप ए बी सी इकट्ठा करोगे, मतलब कि ए बी सी अगर आप इकट्ठा करना चाहो तो यहाँ पे क्या लिखोगे 5 और 6, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, अगर दोनों में बी दोनों में कॉमन है तो सीधा 4, 5 और 6 ले लो, यही होगा इनका, सीधा ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। तो सी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ये क्वेश्चन है भाई, सी की जो आय है वो ए से कितना प्रतिशत अधिक है। मैंने आपको बताया था पहले, तो ये चेक करो कि किस से, तो इसमें बोला है कि ए से, अगर ए से तो बटे में आएगा ए, मतलब कि 4, ठीक है। और कितना अधिक पूछा है ना, अधिक है, अधिक कितनी है 2 अधिक है, तो ऊपर आ जाएगा 2 गुणा में आ जाएगा 100, या फिर 100 भी मत लगाओ, देखो ध्यान से कितना है 1/2, और सभी बच्चों को पता है 1/2 का मतलब होता है आधा, आधा मतलब 50%। क्वेश्चन को खत्म करो, अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई। एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, मिटा दो इसको, सोल्व कर दिया होगा आपने। देखो एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, देखो भाई मान लो कोई विद्यालय है, उस विद्यालय में 100% बच्चे होंगे टोटल, अब उसमें से अगर 70% लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे, 30%, ठीक है। अब इसी बात को मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ, परसेंट से परसेंट काट दो, 0 से 0 काट दो, ये भी तो कह सकता हूँ कि टोटल मान लो 10 बच्चे थे तो 10 में से 7 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं, ये इंग्लिश में लिख रहा हूँ, गर्ल्स और बॉयज़, ठीक है, ये भी बात कह सकते हैं, या कैसे भी कर लो जैसे आपकी मर्जी। 70% लड़कियां हैं ना, तो इसको मतलब 7/10, ठीक है, तो ये कुल बच्चे 10 में से 7 लड़कियां, दो लड़के कितने, 3, जैसे भी आपकी मर्जी वैसे कर लो, ठीक है। लड़कों की संख्या 510 दे रखी है, लड़कों की संख्या हमने कितनी निकाली है, 3, 3 की वैल्यू बराबर है किसके, 510 के, कितने गुणा 3 × 3, 3 × 21, 0, 170। अगर ये मैं क्या कर रहा हूँ समझ नहीं आ रहा, बाउंसर जा रहा है ऊपर से, तो आपको ज़रूरत है रेशो वाली वीडियो की, ठीक है। चलो अब क्या करना है, हमने स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी बताने हैं, अब कुल विद्यार्थी कितने हैं, 10, भाई ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं ना, तो इसी के हिसाब से चलो कुल विद्यार्थी 10 हैं तो 10 के भी किससे गुणा करोगे, 170 से, कितना हो जाएगा 1700, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आंसर अपना, ऑप्शन है क्या, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ के सोल्व करो। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है, ये इतना इजी क्वेश्चन है ना, इसका आंसर 200 होता है, कुछ भी लगा लो। अब क्वेश्चन ये क्या है, देखो मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ पहले, 60% में से मान लो ये 60% है, 60 घटाने पर, ये 60 घटा दिया, 60 आता है बराबर 60, यही बात कह रखी है ना, 60% में से 60 घटाने पर 60 आता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 60% बराबर है, ये माइनस का 60 जाएगा प्लस हो जाएगा 120 आ जाएगा, और 60 से ये 2 पे कट जाएगा 120, मतलब 1% की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। इसने पूछा है तो संख्या क्या है, अब देखो हम किसी ऐसी संख्या की बात कर रहे हैं जो 100% है ना, तभी तो हम उस संख्या का 60% सीधा 60% लिख पाए, ठीक है ना, मतलब जो संख्या है उसकी वैल्यू 100% है, अगर 1% की वैल्यू 2 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 200, तो इसका आंसर क्या आया 200, ठीक है। अब ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर डी, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपको दिखे 70% में से 70 घटाने पर 70 आता है, 60 में 60 घटाने पर 60 आता है, 50 में 50 घटाने पर 50 आता है, कुछ भी जो भी आपको दिखे उसका आंसर क्या है 200, याद कर लो इस चीज़ को, ठीक है। लेकिन एक बात और याद रखना, प्रतिशत में से कुछ घटेगा और कुछ आएगा, ठीक है, घटेगा जब आएगा, कई बार क्वेश्चन चेंज हो किया जाता है कि इतने प्रतिशत में इतने जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, वो अलग क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से, देखो दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है। अब दो संख्या है और तीसरी संख्या भी है, मतलब तीन संख्या दे दी इसने, तो मैं तीन संख्या लिख लूँगा ए बी सी, ठीक है। अब ये कह रहा है, अब देखो पहले दो संख्या का कंपैरिजन तीसरी संख्या से करा हुआ है, तो सीधी सी बात है, इसी बात को दिमाग में सेट रखो, जिस संख्या से कंपैरिजन करा हुआ उस संख्या को लेट कर लो पहले ही, मैंने सी को लेट कर लिया 100,
ठीक है, 100 क्यों लटके, थोड़ा आसानी से आप इसको सॉल्व कर लोगे। तो दूसरी दो, जो दो संख्याएं हैं वो 20% और 50% अधिक हैं, तो मतलब ये तो होगी 120 और ये होगी 150, बताओ भाई ये मतलब है ना, आया समझ में? ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, प्रतिशत तो बाद में निकालना, पहले इनकी रेशो निकाल लो, 12, 15, 10। ठीक है, अब देखो क्या पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। कितने बच्चों को ये बात पढ़ते ही समझ में आ गई थी कि यहाँ पे कम या अधिक का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पे पूरी की पूरी लेनी है। ठीक है, कैसे लेनी है, देखो इसने कहा कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, किसका, दूसरी संख्या का, तो मतलब बटे में 15 आएगा। ठीक है, दूसरी संख्या और पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, मतलब कि पहली पूरी की पूरी संख्या ऊपर आ जाएगी गुणा में 100। मतलब कि इन दोनों का आपस में एक रिलेशन पूछा है कि ए बी का कितने प्रतिशत है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4, 5, 20 कितना आया, 80 ऑप्शन में है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर सी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ईजी है ना, बताओ कोई भी दिक्कत हो तो। अगला क्वेश्चन जल्दी से खत्म करो इसको। एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है, देखो भाई 25% दिखते ही क्या करोगे, 1/4 लिखोगे, और घटाने की बात हो रही है तो 4 से संख्या 3 हो गई, इतनी सी बात मैंने पहली लाइन पढ़ते ही लिख ली। एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है, मतलब कि जो संख्या 4 थी उसको घटा के कितना कर दिया, 3 कर दिया, बात खत्म, तो वह संख्या 225 हो जाती है, लेकिन हमारे पास कितनी हुई है, 3 हुई है, तो सीधी सी बात है 3 की वैल्यू 225, मिनटों में काम होना चाहिए, मिनटों में क्यों, सेकंडों में काम होना चाहिए। ठीक है, 225 कितने गुणा, 3 × 7 = 21, 3×5 = 15 × 75। ठीक है, इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, मतलब कि पहले संख्या निकालनी पड़ेगी उसके बाद आगे क्वेश्चन सोल्व होगा, इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि संख्या 375 हो जाए। तो पहले तो संख्या बताओ भाई, देखो संख्या 4 थी ना, तो 4 की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो कितनी आएगी, देखो ध्यान से, अगर 4 में आप 75 की गुणा करोगे तो 75 × 150, 150 × 300, मतलब कि 300 आ गई संख्या, तो 300 आ गई, ये कन्फर्म है। अब इस ये क्या कह रहा है कि 300 को अगर मैं 375 बनाना चाहता हूँ तो कितने प्रतिशत इंक्रीज करना पड़ेगा, परसेंटेज बताना है। तो पहले तो अंकों में देख लो कितना इंक्रीज है, 75 इंक्रीज है ना, मतलब कि 75 बढ़ाना है कहाँ से, 300 से गुणा में 100, यही आंसर है इसका, 3 × 6, 3×5 = 15 कितना आया, 25% ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, ठीक है भाई, बताओ अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो वीडियो को पीछे करो, दोबारा से देखो। अगला क्वेश्चन तुलसीराम वाला क्वेश्चन, ठीक है, तुलसीराम क्या कह रहा है, ध्यान से देखो भाई, तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है, दो दिन है भाई, तुलसीराम और कश्यप, मैं इनके नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा 20% अधिक, 20% अधिक का मतलब 1/5 और मतलब 5 से 6 होना, कोई भी चीज़ 5 से 6 होना, ये बात समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब ये कह रहा है, अब इससे पहले लिख लो किसका किसका है, तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है, तुलसीराम का अधिक है ना, तो यहाँ पे 5 लिखो, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 6 लिखो, यहाँ पे 5 लिखो, हो गया ठीक है ना। अच्छा, तुलसीराम 720 रुपये बचत करता है, ठीक है भाई, इस तुलसीराम की बचत दे रखी है, बचत कितनी, 720, ठीक है, और क्या दिया है, जो उसके वेतन का 4% है, क्वेश्चन खत्म हो गया भाई, मतलब कि ये जो चीज़ दे रखी है इसकी वैल्यू 4% दे दी। जब भी आपको किसी क्वेश्चन में किसी भी रियल वैल्यू की परसेंटेज में वैल्यू दे देना, मतलब क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखो कैसे करेंगे इसको, 4% बराबर दे दिया 720 के, तो 1% किसके बराबर होगा, 4 से इसको काट दो, 4 × 4, 4 × 38 कितना आया, 180, ठीक है। अच्छा, 4% जो बचत है उसकी, ये तो उसकी टोटल आय कितनी होगी, 100% होगी ना, सीधी सी बात है भाई, 4% उसने बचत करी है 720, तो टोटल आय कितनी होगी उसकी, 100%, तो कितना हो जाएगा, 18,000। ये तो आ गई आय, किसकी आय आ गई, ये तुलसीराम की, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या पूछा है, कश्यप का वेतन ज्ञात करें, तुलसीराम की आय आई है अभी तो 18,000, तुलसीराम का वेतन आया, तो देखो कितने गुणा है, 6 × 3 = 18 होता है ना, 3,000 गुणा है, तो इसके भी कितने गुणा होगा, 3,000। सर ये आप कैसे निकाल रहे हो गुणा, ये देखने के लिए आपको रेशो वाला चैप्टर देखना पड़ेगा, तब समझ में आ जाएगा, 15,000। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, इसको मिटाऊं, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, देखो भाई दो जनों का नाम आ गया ए का और बी का, ठीक है, 40% आ गया,
दो बटा पाँच आ गया। अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में आप गलती कहाँ करोगे, देखो ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, से अधिक या से कम नहीं, 40%, मतलब कि यही दो हमें यूज़ करने हैं, ठीक है, कुछ घटाना नहीं कुछ बढ़ाना नहीं। अब देखो ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, मतलब ए का कम है बी का ज़्यादा है, ये बात समझ गए आप, तो सीधा बात है ये पाँच आएगा ये दो आएगा। भाई ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, मतलब जो भी उसका है उसका 40% है ए का, तो बी का पाँच होगा और ए का दो होगा, क्लियर होगी इतनी सी बात। अच्छा आगे क्या दे रखा है, तथा अब ये एक तो कंडीशन ये दे दी उन्होंने, दूसरी कंडीशन क्या दी देखो ध्यान से, बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है, अब की बार अधिक वाली लाइन दे दी, बी और सी कितना 25%, इसको कैसे लिखोगे, एक बटा चार लिखोगे, और अधिक कहा है तो चार से पाँच हो जाएगी, इसमें और इसमें अंतर समझ गए ना आप, क्या अंतर है, हाँ ठीक है चलो। अच्छा 25% अधिक है, किसका अधिक है, बी का वेतन, बी का अधिक है तो बी का पाँच आ जाएगा और सी का चार आ जाएगा, क्लियर। अब देखो अगर यहाँ से मैं ए बी सी इकट्ठा निकलना चाहूँ तो दो, और देखो बी दोनों में कॉमन पाँच है तो पाँच लिख दो, सी कितना है चार, सीधा लिख दो, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है, सी का वेतन ए से किससे, ए से तो ए नीचे आ जाएगा, कितना अधिक है, दो अधिक है, दो बटा दो मतलब एक, एक मतलब 100%। सेकेंडों में क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 93% छात्र सफल होते हैं तो फेल कितने हुए बताओ, अगर 93% सफल हो गए तो फेल कितने हुए, 7%, ठीक है, टोटल परीक्षा में बच्चे कितने होंगे, 100% होंगे, जिसमें से 93% फेल हो गए सॉरी पास हो गए, तो 7% क्या होंगे, फेल होंगे, इतनी सी बात समझ में आ गई। और अब इसमें देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तथा 259 छात्र असफल होते हैं, देखो असफल हुए तो 7% है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब कितने दे रखा है 259, ठीक है, तो देखो 7% की वैल्यू अगर ये है तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 7 × 21 = 4 × 7 = 49 आ गई ना 1% की वैल्यू। अब देखो क्या पूछा है इसने, परीक्षा में छात्रों की कुल संख्या, बिल्कुल आसान, कुल संख्या कितनी है 100%, तो 100 से गुणा कर दो कितना आया 3700, ऑप्शन चेक करो ऑप्शन नंबर ए बताओ भाई, सेकंडों में हो जाएंगे ना, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो मिटे रहा हूँ इसको, क्वेश्चन देखो और सोल्व करो और फिर दोबारा से देखो जब मैं सोल्व करूँगा, ठीक है। एक संख्या में जब 15 घटाया जाता है, देखो भाई 15 घटाया, अब की बार पहली लाइन में आपको परसेंटेज नहीं दी, तो वह घटकर 80% हो जाती है, 80% हो जाती है भाई, 80% का मतलब क्या, 4/5, आप सोल्व करके देखो 4/5 आएगा, इसका मतलब ये है संख्या, अगर मैं इसको संख्या मान लूँ नीचे वाली टर्म को संख्या, तो संख्या का 80% 4 हो जाता है, मतलब संख्या पहले 5 थी और घट के 4 हो गई, तो कितनी घटी, एक घटी ना, लेकिन क्वेश्चन में कितनी घटा रखी है 15, तो एक की वैल्यू 15, ऐसे पकड़ने हैं क्वेश्चन आपने, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को अगर पकड़ोगे तो बिल्कुल आसानी से सोल्व कर पाओगे, कितने गुना है 15 गुना है, ठीक है कैसे करेंगे, तो उस संख्या का 40% बताना है, तो पहले संख्या निकाल लो, संख्या की वैल्यू 5 है ना, तो 5 × 15 = 75, ठीक है भाई ये संख्या आ गई, संख्या का 40%, अब देखो 75 आ गया, अब आप ऑप्शन में देखो 75 लिखा हुआ है, ठीक है यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप क्वेश्चन को गलत कर दोगे, यहीं पे आंसर टिक कर दोगे 75, लेकिन वो नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे संख्या नहीं पूछी, संख्या का 40% पूछा है, मतलब 75 × 2/5, 40% का मतलब क्या होता है 2/5 ही तो होता है, 40% में लिखूंगा 40/100 लिखूंगा तो 20 से काटूंगा तो 2/5 ही तो आएगा, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है 2/5, अब 5 से इसको काटो 15 कितना आया 30, ऑप्शन में देखो 30 है क्या, देखो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन गलत कर दिया था तो वो सही कर ले, ठीक है भाई चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो भाई ये क्वेश्चन है, दो संख्याएं ए तथा बी इस प्रकार है कि ए के 5% तथा बी के 4% का योग, ए के 6% और बी के 8% का योग का 2/3 है, तो ए अनुपात बी का अनुपात क्या होगा, देखो मेरे पास सुनो ये क्वेश्चन आपको खुद से सोल्व करना है, इसको मैं सोल्व नहीं कराऊंगा, आप कमेंट में इसका आंसर दो, ठीक है अगर आपको डाउट आता है तो फिर नेक्स्ट वीडियो में सोल्व कराऊंगा, ठीक है चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है थैंक यू।